सरकार अपनी जो वादा किया था उसे मुकर गई, फिर हमें आज दोबारा ये पड़ाव डालना पड़ा। यदि सरकार आज नहीं मानती है तो हमारा पड़ाव जारी रहेगा। हम इस वक्त खड़े हैं विद्याधर नगर स्टेडियम में, जहां सैनी समाज की एक बड़ी रैली हो रही है, जहां प्रदेश भर से लोग आए हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, किस मुद्दे को लेकर यहां सैनी समाज की आज इतनी बड़ी रैली हो रही है। सर नमस्कार, कहां से आए हो और क्या है आपकी मांग? हम जोन उदयपुरवाटी से आए हैं। हमारी मांग ये है, पूरे प्रदेश के समाज का एक संगठन बना था आज से एक साल पहले, और 11 सूत्रीय मांगे थी, वो सरकार से हम मांग रहे हैं। और उस मांग को लेकर आज विद्यागर नगर में जहाँ स्टेडियम है, वहाँ राजस्थान के कोने कोने से, पूरे प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से, 4-5 प्रदेशों के लोग आज लाखों की तादाद में विद्यानगर स्टेडियम में पड़ाव डाल रखा है। जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी, जब तक ये पड़ाव जारी रहेगा। आगे की क्या रणनीति रहती है अगर सरकार आपकी आज बात नहीं मांगती है, तो सैनी समाज का इस पे क्या स्टैंड रहेगा? हमारा एक डेलीगेशन गया है सरकार ने मैसेज किया है वार्ता करने के लिए, सरकार से वार्ता करने के लिए हमारा एक डेलीगेशन गया है। डेलीगेशन से वार्ता अच्छी होती है तो हम देखते हैं, और यदि वार्ता हमारी विफल रहती है तो हमारा धरना जारी रहेगा। पिछली बार भी आप सैनी समाज की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आए थे, लेकिन उसमें भी डेलीगेशन का रूप देकर उसको नकार दिया गया था। सरकार को लगता नहीं कि आपकी मांगे सुने? देखिए, पिछली बार हमें आश्वासन मिला था, सरकार ने तय किया था कि हम आपकी बात सुनेंगे, एक कमेटी बनाएंगे, लेकिन सरकार अपनी जो वादा किया था उसे मुकर गई, फिर हमें आज दोबारा ये पड़ाव डालना पड़ा। यदि सरकार आज नहीं मानती है तो हमारा पड़ाव जारी रहेगा। ये लोग झुंझुनू जिले से आए थे और इनका साफ कहना है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो एक बड़ा रूप दिया जाएगा आंदोलन को। फूले महात्मा ज्योतिबा फूले।